दोस्तों वीवो ने अपना वाई सीरीज का नया स्मार्टफोन वीवो वाई 15 के नाम से लॉन्च कर दिया है और इसकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग सारी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। इस फोन पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, उसके अलावा नॉच डिजाइन के साथ में ये फोन आता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस वीवो वाई 15 की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या खास फीचर मिल रहे हैं इस फोन पे। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल को। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है और यहाँ पे 6.35 इंचेस का IPS LCD HD Plus डिस्प्ले आपको मिलता है दोस्तों। प्रोडक्शन को लेके कोई अपडेट यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस चीज को मेंशन किया है। यहाँ पे आपको छोटी सी नॉच मिलती है ऊपर पे, जहाँ पे इसका सेल्फी कैमरा प्लेस्ड है। उसके अलावा अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो P22 चिप का सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑक्टाकोर के साथ में आती है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये एक बजट चिप है। उसके अलावा यहाँ पे काफी सारे बजट स्मार्टफोन पे ये चिप ऑलरेडी यूज हुई है। बात करें वेरिएंट की, तो ये फोन आता है सिंगल वेरिएंट में 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। उसके अलावा यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का भी आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि अप टू 256GB तक सपोर्ट करता है दोस्तों। कुछ और भी फीचर मिलते हैं इस फोन पे, जैसे कि यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, GPS का सपोर्ट मिलता है, FM रेडियो को ये फोन सपोर्ट करता है, माइक्रो USB का आपको सपोर्ट मिल रहा है इस फोन पे। अब चलते हैं इसके खास फीचर की तरफ, वो है इसके कैमरे और बैटरी दोस्तों। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 30MP प्लस 8MP प्लस 2MP का कॉम्बिनेशन आपको बैक साइड पे मिलता है और यहाँ पे वाइड एंगल, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कैमरे के साथ में। बात करें फ्रंट कैमरे की, जो कि एक सेल्फी कैमरा है इसका, 16MP के साथ में आता है, तो क्वालिटी आपको एक अच्छी खासी मिल सकती है इस फोन पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे खास फीचर है वो है इसकी बैटरी, 5000mAh की बैटरी मिल रही है और यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग को लेके भी कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या फिर वही लगाएगा ये 3 से 4 घंटे चार्ज होने में, इस चीज़ को भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे। ये फ़ोन आता है 2 कलर में, ब्लू और रेड, और इस फ़ोन का जो प्राइस है 13,990 रुपीज़ इसका प्राइस रखा हुआ है दोस्तों। बहुत ही जल्दी ये सेल के लिए भी लिस्ट हो सकता है, अभी इसकी सेल की कोई डेट सामने नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि टाटा क्लिक पे, अमेजोन पे आप इस चीज़ को खरीद सकते हो। ये फ़ोन बहुत ही जल्दी इन साइट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट टच OS 9.0 बेस एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, और यहाँ पे अगर इंप्रूवमेंट की बात करूँ मैं, तो कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता और प्रोसेसर थोड़ा सा हाई एंड का मिलता तो काफ़ी कमाल का हो जाता, क्योंकि इस प्राइस में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि 660 के साथ में आते हैं। बात करें कुछ और प्रोसेसर की, तो 712 चिप के साथ में आते हैं, 675 चिप के साथ में आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीवो को प्राइसिंग की तरफ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था दोस्तों। वैसे तो ओवरऑल फीचर आपको अच्छे मिल रहे हैं इस वीवो वाई 15 में, लेकिन थोड़ा सा कंपनी अगर इंप्रूवमेंट करती फीचर्स में तो और ही कमाल का ये स्मार्टफोन हो जाता दोस्तों। आप जरूर नीचे कॉमेंट में बताना कि आपको कौन सा फीचर इस फोन का सबसे पसंद आया, कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन, वो चीज़ें सारी नीचे कॉमेंट में लिखना दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन ओपिनियन है तो भी आप नीचे लिख सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।